चलिए अभी 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 जो है आप लोग रैली निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? देखिए पूरे देश के अंदर एहतजाज हो रहा है, एक कानून बनाया गया है तो उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर एक आक्रोश है, सभी समाज के अंदर, सभी धर्मों के अंदर है, उसमें कोई धर्म विशेष नहीं है, और उसी को लेके लोग सड़कों पे उतरे। तो माननीय SDM महोदय से परमिशन ली गई थी, नैयर भाई ने परमिशन ली थी, और उसके बाद ज्ञापन दिया गया है, राष्ट्रपति महोदय के नाम पे भेजा गया है, जिसमें अपनी बात कही गई है कि इस कानून को वापस लिया जाए। नहीं, बेसिकली जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कानून है इसके अंदर क्या ऐसी खराबी है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट में सब कुछ कि उसको पीछे लो, वापस लो, सब कुछ चल रहा है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आएगा, क्योंकि शायद पूरे देश को इस बात की समझ है। बिल्कुल, फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं ना कि मतलब प्रॉपर। हाँ, बता रहा हूँ। पूरा देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं, तो वो सारे लोग पागल नहीं है, उन्हें कुछ ना कुछ इस कानून में दर्द दिख रहा है। इस कानून के पीछे जो सबसे बड़ी जो पीड़ा है वो ये है कि संविधान के साथ खिलवाड़ है, संविधान की जो हमारी मूल भावना है धर्मनिरपेक्षता की, जिसे लेकर हम पूरी दुनिया में जाने जाते थे, हम जो हमेशा जाके गर्व से सीना चौड़ा होकर हमारे नेता बाहर जाके कहते थे कि हर 100 किलोमीटर पे हमारे यहाँ मजहब का रंग बदलता है, भाषा बदलती है, फिर भी प्यार से रहते हैं, उसके ऊपर हमला है। तो हमारी जो मांग है और इस पूरे देश में जो पूरा आवाज़ उठ रही है उसको भले ही लोग कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों की कोशिश है कि ये हिंदू मुस्लिम रंग दे दें, ये हिंदू मुस्लिम रंग नहीं है, रंग है संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते। ये मेरा फंडामेंटल राइट भी है, ड्यूटी भी है कि मैं संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ होगी, देखिए जिस संविधान की कसम खाकर आप शपथ लेते हैं उस संविधान आपको मेजोरिटी दी लोगों ने काम करने के लिए दी, प्याज महंगा हो रहा है उस पर जवाब नहीं देंगे, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है उस पर जवाब नहीं देंगे, मेरे बच्चों पर रोजगार नहीं है उस पर जवाब नहीं देंगे, अस्पताल खराब है उस पर जवाब नहीं देंगे, ऐसे कानून ले आइए जिससे हिंदू मुस्लिम का राग छेड़ दीजिए और उसके बाद देश में पूरे को आप बोल रहे हैं कि मूल भावना से खिलवाड़ किया गया है, वो मूल भावना क्या है कि धर्म वाली बात को लेकर क्या बोल रहे हैं? हाँ देखिए मूल इसमें मैं आपको बता दूँ, मूल भावना ये, हमारा संविधान ये कहता है कि किसी भी कानून के सामने सभी धर्म बराबर माने जाएंगे, कानून की नज़र में धर्म एक से हैं, उसमें आप धर्म के आधार पर किसी के साथ वो नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक। तो इस कानून के अंदर सीधा सीधा उसी को, क्योंकि अमित शाह जी ने खुद ये बार बार कहा है कि CAB और NRC एक मामला है, उन्होंने CAB का बेनिफिट ही देने के लिए तो NRC से पहले ये लागू किया है, सबको पता है, वो बोल रहे हैं खुद, तो ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा एक वर्ग विशेष के लिए उन्होंने टारगेटेड कानून बनाया है। अगर मान लीजिए जो एक चीज़, एक सवाल मैं मतलब पर्सनली सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, इसमें मान लीजिए अगर हम धर्म के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया आप जो बोल रहे हैं फिलहाल, है ना, तो इस आधार पर जो माइनॉरिटीज़ को जो उनको बेनिफिट दिया जाता है वो बेनिफिट्स नहीं देना चाहिए, इसका मतलब मैंने कानून वो भी कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर तो दिया जा रहा है। देखिए पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि लॉ के आगे धर्म सारे बराबर हैं, कोई स्पेशल बेनिफिट कहीं पे ऐसे नहीं दिए जाते हैं, पिछड़े वर्गों को दिया जाता है, वो सरकार ने अलग अलग टाइम पे ये महसूस किया, जैसे हमारे SC समाज के लोग हैं, अब आप जिस बात को कह रहे हैं मैं इसी डर के लिए जो आपने बात उठा दी है, बहुत सही बात उठाई है, जिस तरीके से आज ये खिलवाड़ किया गया है कि जो हमारी धर्मनिरपेक्षता थी उस पर अटैक कर दिया गया, कल को यही बात कही जाएगी कि देखिए सबको बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो हम जिन लोगों को कोई बेनिफिट दिए हैं, जैसे हमने दलित समाज को जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको बेनिफिट दिए हैं, इसको भी खत्म कर दो जी, तो हम ये कह रहे हैं कि जो संविधान इतने सालों से, इतना खूबसूरत संविधान हमें बाबा साहब देके गए, पूरी दुनिया उसकी चर्चा करती है, हम लोग गर्व से उसे सीने पे लगा के कहते हैं कि हमारा संविधान सबसे अच्छा संविधान है, उसको हम उसकी हम रक्षा करेंगे, तो उस संविधान से छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? क्या इतने सारे मुद्दे हैं देश के अंदर, गरीबी है आज आप अगर ये देश ये कह रहा है कि जो माइनॉरिटीज हैं जो 3 देशों के उनको हम जो नागरिकता दे रहे हैं इसमें गलत क्या है सर? बिल्कुल गलत नहीं है, माइनॉरिटीज के लिए तो दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल गलत, माइनॉरिटीज के लिए तो दे रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं है, मैंने कब कहा गलत है? ये वो यही तो चाल है उनकी सर, यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं तो बता रहा हूँ बिल्कुल गलत नहीं है किसी भी देश में, क्या सिर्फ भारत, सिर्फ इन 3 देश, पहली चीज तो ये है कि बाहर के 3 देशों में मेरा उनके साथ मेरे लिए सब बराबर है पूरी दुनिया में, ठीक है, ये हमारे पड़ोसी हैं, अगर उन देशों में अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है और वो हमारे देश में शरण लेना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, शरणार्थी बन के आए और यहाँ रहे, और उसके बाद एक समय सीमा तक अगर वो यहाँ पर रहता है, अच्छा नागरिक बनता है, तो देश की सरकार उसे नागरिकता दे सकती है, इसमें क्या हर्ज है? लेकिन जब आप इसके अंदर किसी एक मजहब के आधार पर कैटेगोरिकली मेंशन कर सुनिए, कैटेगोरिकली मेंशन कर आप कुछ विशेष जगहों पर छोड़ देते हैं, जैसे आपने जो श्रीलंका की माइनॉरिटी है उनको छोड़ दिया, क्यों छोड़ रहे हैं श्रीलंका की माइनॉरिटी को? क्योंकि आपका इंटेंशन इस मुद्दे से सिर्फ राजनीति करने का है, वोट लेने का है, आपका इंटेंशन किसी का भला करने का नहीं है, सरकार की नीयत पे सवाल है कि वो संविधान, देखिए मैं आपको एक बार फिर कह देता हूँ अखिलेश जी कि अगर आपको यहाँ पर किसी को भी शरण देनी है तो हम तो सबसे पहले उसके लिए लंगर भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, इस देश के तमाम वर्गों लोग जो हैं, हमारे देश की हमेशा से ये इतिहास रहा है कि हमने हमेशा से कमज़ोर का साथ दिया है,
तो हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आपको किसी को देनी है शरण देनी है दीजिए, मोस्ट वेलकम, हम तो खोलेंगे बाहें, आइए। किसी के साथ किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उसके साथ कहीं पर ज्यादती हो रही है और वो हमारे देश में आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। खुलकर खुलकर इस पर डिबेट 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 करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मतलब आपको इनसे पूछ सकता हूँ, बताओ कि ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, जो CAB बिल है क्या जी? देखो ये देश को तोड़ने वाला सबसे बड़ा कानून है। कैसे तोड़ रहा है ये? जब ये 12 तारीख में हुआ था, मतलब इसका लोकसभा में चर्चा चल रही थी, इसके ऊपर विचार चल रहे थे, तो सबकी चर्चा के बाद जो असदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, आखिर वो पढ़ा लिखा आदमी है, जब उसने वो फाड़ दिया, क्यों फाड़ा, उसके ऊपर कानून, उसको गिरफ्तार क्यों? क्या पता कि वो भी हो सकता है, वो भी हिंदू मुस्लिम राजनीति करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल संविधान की नहीं, रुके संविधान की बात कर रहा है। बिल्कुल। और अच्छा एक आपसे मैं पर्सनल क्वेश्चन, क्या ये जो बिल है, मतलब इसका स्टेटमेंट सिर्फ दीजिएगा आप, क्या ये बिल जो है भारत के मुसलमानों के अगेंस्ट में है? देखिए संविधान के अगेंस्ट में है, और संविधान के अगेंस्ट में तो भारत के हर नागरिक के अगेंस्ट में। क्या आप मुसलमान को इस देश का नागरिक नहीं मानते? तो ये इस देश के हर नागरिक के अगेंस्ट है। जब ये इस देश के हर नागरिक के अगेंस्ट है तो हिंदू के भी अगेंस्ट है, मुसलमान के भी अगेंस्ट है, क्योंकि ये संविधान पे हमला है। आप इसको हिंदू मुस्लिम के रंग में क्यों देखना चाहते हैं? अच्छा ये संविधान के अगेंस्ट में आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल संविधान के अगेंस्ट में, ये बिल्कुल संविधान के अगेंस्ट में है। और इसीलिए कोई भी नेता, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग लाता है तो वो भी देशद्रोह कर रहा है, क्योंकि इस बिल को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर, हिंसा का रंग देकर सिर्फ इसको कमजोर करने की कोशिश करी जा रही है। जो विरोध हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये संविधान पर हमला है मेरे भाई। अमित शाह ने ये कहा था कि ये संविधान के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? आप संविधान कहता है कि कानून के सामने सारे मजहब जो हैं वो बराबर होंगे, मानते हैं आप इस बात को? जब संविधान ये बात कह रहा है तो आप इस देश में किसी को भी नागरिकता अगर देंगे तो इस देश के कानून के हिसाब से देंगे ना? सुनिए, इस देश के कानून के हिसाब से देंगे ना? उस देश के कानून के आगे आपने मतभेद कैसे कर दिया धर्मों में? तो मजहब के आधार पर आप आरक्षण दे सकते हैं। कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? अल्पसंख्यक को हमेशा तो दिया जाता है, बताइए कहाँ दिया जाता है? अल्पसंख्यक को हमेशा दिया जाता है। नहीं, कौन सा रिजर्वेशन है अल्पसंख्यक का बताइए? अल्पसंख्यक को हमेशा रहता है कि कुछ कुछ परसेंटेज सर SC ST हमेशा SC ST के लिए है। अब आप यही बात मैं कह रहा हूँ कि क्या अगला आप SC ST पे हमला करना चाहते हैं? अगला कहाँ? संविधान को बदलने की शुरुआत आपने हमसे भले करी हो धर्मों के आधार पर, लोगों का वो देखकर, और आगे आप SC ST का रिजर्वेशन हटाने की बात ये आप मान करके चल रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूँ खूबसूरत संविधान है, दुनिया में फख्र करते हैं लोग इस पे, हमारे नेता खुद मोदी जी जब UN के उसमें जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश का संविधान, हर 100 किलोमीटर की दूर पे मजहब का रंग बदलता है, भाषाएं बदलती है, फिर भी हम खूबसूरती से एक साथ रहते हैं। आज देखिए, आपने देखा होगा प्रोटेस्ट में किस तरीके से मेरे साथ शर्मा जी चल रहे थे, पंडित जी हमारे साथ चल रहे थे, सिख भाई चल रहे थे, क्यों चल रहे थे, क्या दर्द है उनके दिल में? सिर्फ ये कि संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए, इसी संविधान की कसम खाकर आप लोगों संसद में बैठे हुए, कहीं ऐसा ना हो, देश ने आपको मेजोरिटी दी है, हम उसकी कदर करते हैं, आप देश के हित में काम करिए, प्याज महंगा हो रहा है प्याज सस्ता करवाइए, अस्पताल गंदे हैं अस्पताल साफ करवाइए, शिक्षा खराब है स्कूल खराब है उन्हें सही करिए, बच्चियों का रेप हो रहा है उनको सजा दिलाइए, आपके मंत्री आपके MLA उसमें वो हैं उनको सजा दिलाइए, उससे भटका देंगे, धर्म के नाम पे लोगों को भिड़वाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होने देंगे। संविधान पे जो आज उठ रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और ये हम उठाते रहेंगे। और मैं आपसे भी, देखिए मीडिया का भी ये काम है, आप हकीकत को सामने लेके आइए, आप बखूबी आप ये सवाल बार बार हिंदू मुस्लिम को ये होता है ये मत पूछिए, हम इसलिए हैं सड़क पे, एज ए इंडियन सड़क पे हूँ, एज ए मुस्लिम सड़क पे नहीं हूँ, एज ए इंडियन सड़क पर हूँ, और सारे लोग जितने भी पूरी दुनिया में पूरे देश में जो इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं उन्हें इंडिया के उस संविधान से प्यार है कि हम मिल के रह सकते हैं, क्यों बांटना चाहते हैं हमें ये बताइए। ये फिलहाल जो प्रोटेस्ट किया गया रुड़की में, तो जो आप लोगों जो मार्च किया, बेसिकली ये जो है संविधान के अगेंस्ट में जा रहा है, इस वजह से इन्होंने किया हुआ है। फिलहाल आप लोग इस प्रोग्राम को देखते रहिए और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो है समझ में आएगा कि भाई इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है बेसिकली। तो मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपकी टीम को।